पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह का वायरस फैला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा प्रभावित है जानवरों को लेकर, क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, इस पर बहुत कड़ाई से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है। पहले तो हमने सभी उत्तर प्रदेश की सीमा जो दूसरे प्रदेशों से सटी हुई है उनको सील कर दिया गया है। पशुओं के अग्रिम आदेशों तक क्रय विक्रय पर रोक लगा दिए। हाट बाजार मेले भी पशुओं के नहीं लगेंगे। वैक्सीन बड़ी प्राथमिकता से लगाने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी जिलों से पूरब की ओर कोई भी पशु वाहन से नहीं आएगा, इस पर प्रतिबंधित कर दिया है। ये संक्रामक रोग है, ये मक्खियों से मच्छरों से उड़कर फैलता है। और इस रोग की एक विशेषता ये, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये पशुओं से आदमियों में नहीं फैलेगा। इस रोग को वैक्सीन लगाना प्रारंभ हो गई है और इस रोग पर हम बिल्कुल काबू पा रहे हैं। वैक्सीन लगाई जा चुकी है अभी तक इस रोग के नियंत्रण के लिए? अभी निरंतर जारी है, अभी तो संख्या बढ़ रही है, लगाने की बात बता रहे हैं। चलो, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना धर्मपाल सिंह जी को, उन्होंने बताया कि जो वायरस फैला था, दूसरे प्रदेशों से आ रहा था जानवरों के ज़रिए, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगा दिया गया है, उसको रोक दिया गया है और आने वाले समय में पूरी तरह से इसे नियंत्रित कर लिया जाएगा। जो जानवर दूसरे प्रदेश से आ रहे थे उन पर भी रोक लगाई गई है और पशु मेला या पशु बाज़ार पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।